हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू मेहरान अल्टीमेट टेस्ट विद शेफ वर्दा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं मेहरान के मसालों से। उसमें हम तमाम मेहरान के स्पाइसेस और गरम मसाले ऐड करेंगे। तो आज हम क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट पर नज़र डालें और गेस करें। आपको लग रहा होगा आज बिरयानी बन रही है, तो जी हाँ, आज बिरयानी बन रही है। लेकिन आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी प्योर हैदराबादी स्टाइल में। मसाले होंगे कम लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए। इसका पकाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यूज़ करना है इसमें हाफ अ कप ऑफ ऑयल, आधा कप ऑयल डालने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें है 4-5 काली मिर्च साबुत, गोल मिर्च, 3 अदद बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची छोटी वाली, और हम यूज करेंगे इसमें मेहरान की क्लोव्स 3-4। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज की प्याज, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद 4-5 हरी मिर्चें सेंटर से स्लिट करके वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। और कवर करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे कि पानी खुश्क हो जाए और प्याज भी अच्छे से टेंडर हो जाए। इसमें हमें प्याज ब्राउन नहीं करनी होती, ऐसे ही इसका मसाला बनेगा और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, पिंकिश की तरफ आ गया है। इसका मतलब प्याज हमारी पक चुकी है, कच्चापन ख़त्म हो गया और एक अलग से ही खुशबू आ रही है तमाम मसालों की, जो खड़े मसाले हमने डाले, हरी मिर्चें डाली। अच्छा, इसके बाद इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। मैं आधा किलो के रेशो से बना रही हूँ, तो आधा किलो चिकन ऐड करेंगे हम इसमें। बड़ी बड़ी आपने चिकन की पीसेस रखने, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे मेहरान का लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा ये 2 टेबलस्पून। यूजली हम घरों में लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पहले हमने लहसुन को छीला फिर पीसा फिर रखते हैं, फिर कलर भी चेंज हो जाता है उसका, ये एक अलग प्रॉब्लम होती है हमें। तो थैंक्स टू मेहरान कि उसने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी है कि हमें रेडीमेड लहसुन अदरक का पेस्ट मिल जाता है, मिक्स भी मिलता है, अलग अलग बॉटल में भी मिलता है, अलग से गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। आप देखें, जब भी आप इसकी लिड खोलेंगे आपको एक अच्छी सी खुशबू आएगी, फ्रेशनेस का एहसास होगा आपको। तो ईजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हैसल फ्री होकर, लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहरान की बॉटल लेना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेहरान का लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स किया है, यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ और हम चिकन को अब भून लेंगे। इसकी भुनाई करनी है हमने ताकि चिकन अच्छे से कलर चेंज कर ले और ये हल्की सी लाइट ब्राउन कलर में हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, कहीं कहीं से हल्की हल्की सी ये गोल्डन ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले जाएगा मेहरान की कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, उसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च मेहरान की। अच्छा, ये आपने रेशो बैलेंस खुद करना है, डिपेंड्स कि आपकी हरी मिर्चें कितनी तेज़ हैं। अगर आपने 4-5 हरी मिर्चें ऐड की हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो आप कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च का रेशो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून पिसी हुई मेहरान की लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक मेहरान का, हसबे जायका। मैं फ्रेशली ग्राउंड नमक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ये हसबे जायका आपने इस्तेमाल करना है। और ये देखिए फ्रेशली ग्राउंड सॉल्ट
और इनके क्रशर की सबसे ख़ास बात ये है कि आप चाहे ब्लैक पेपर ले लें, आप वाइट पेपर ले लें, आप सॉल्ट ले लें, आप जो भी इसको क्रश करते हैं बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आता है, वरना अमूमन आम क्रशर्स में ये ख़ास बात नहीं होती। तो इट्स अ क्वालिटी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, ये वो वाली बिरयानी नहीं होती जिसमें बहुत ज़्यादा तीखे तेज़ मसाले, टमाटर वगैरह, नहीं, इसमें बहुत कम मसाले होते हैं और अपना ही इनका एक अरोमा होता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चला लेते हैं। और इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, एक कप फिटा हुआ। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कलर कितना प्यारा आया है इसका। इसमें मैं कोई अभी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि दही अपना पानी भी छोड़ेगा तो उसी में हमारी चिकन भी पक जाएगी। और इस पॉइंट पे मैं इसको ढक दूंगी लेट लगा के, ताकि मसाला थोड़ा सा जो बिरयानी वाला है उस तरह से गाढ़ा हो जाए। अब फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। वाओ, क्या जबरदस्त खुशबू आई, क्या कलर आया है आप देख सकते हैं। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है, चिकन भी अच्छे से कुक हो गई है, तमाम मसाले। आप ये देखिए, चिकन भुन गई है। अच्छा, अब आखिर में हम क्या करेंगे इसमें, मेरे पास है यहाँ पे लेमन जूस 2-3 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं वरना कड़वाहट आ जाएगी, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। और आखिर में जाएगा मेहरान का गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हीटफुल भर के। ये अब इसको हम अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। हरा धनिया एक बंच चॉप किया हुआ पूरा, एक बंच पुदीना फाइनली चॉप, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और अब मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर रही हूँ क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। चावल ऑलरेडी मेरे पास बॉयल्ड हुए हुए रखे हुए हैं, हाफ बॉयल्ड हैं, जैसे कि हम बिरयानी के लिए बॉयल करके रखते हैं चावल। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेहरान का कर्नल बासमती राइस बिरयानी के लिए, ये बेस्ट है, इजली मार्केट में अवेलेबल है। चलें जी, तो अब लेयरिंग कर लेते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। एक पतीली ले ली मैंने, सबसे पहले उसमें हम हाफ राइस की लेयर कर देंगे। अब इसमें हम चिकन की लेयरिंग कर देंगे और जो मसाला हमने बनाया है दिस। अच्छा, लेयर लगाते हुए आपने खास ख्याल रखना है कि बोटियाँ आपने प्रॉपर तरीके से अलग अलग रखनी है, एक साथ मिक्स नहीं करना, ताकि जब हम मिक्स करें उसको तो इवनली हर जगह आपको चिकन का पीस मिल जाए। मेरे मेन मसाला है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, अब लेयरिंग के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्राउन प्याज, केवड़ा एसेंस है मेरे पास, ये ऐड किया हमने। और इसके बाद हरी मिर्च लेयर के बीच में आप लगा दीजिए, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, सेंटर से स्प्लिट करके आप उसको लगा दीजिएगा। और दोबारा से इस पे हम राइस की लेयर लगा देंगे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, बिरयानी का जर्दे का रंग थोड़ा थोड़ा सा, और कहीं अगर आप डार्क कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा चावलों पर मिक्स कर दीजिए। एंड दैट्स इट। अब इसको हम दम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर सर्व करेंगे गर्मा गर्म बिरयानी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी में अच्छा सा दम आ चुका है, तो आइए अब दम तोड़ते हैं, यानी कि बिरयानी का ढक्कन खोलते हैं। और ये देखें,
हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब बिरयानी को डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और ये देखिए जनाब, तैयार है हमारी मजेदार सी हैदराबादी दक्कन बिरयानी। हमने मेहरान के मसाले इस्तेमाल किए हैं इसके लिए, और थोड़े से हम प्याज स्प्रिंकल कर देते हैं इस पर, ब्राउन अनियन, और वो क्या मजे की लगेगी ये। मेहरान पाकिस्तान का वो वाहिद फूड ब्रांड है जो पिछले 37 सालों से बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जीत रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए आप, पाकिस्तान का कितना बेहतरीन फूड ब्रांड है मेहरान, और अब ये हमारे पास इजीली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। पहले इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, और अब फाइनली थैंक्स टू मेहरान कि अब हम भी इसके जायके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए, आज हमने बनाई हैदराबादी दक्कन बिरयानी मेहरान के मसालों से, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और अगर मज़ीद मेहरान के प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स विज़िट कीजिए। मेहरान फूड्स ऑफिशियल के नाम से इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। तो जनाब अगली रेसिपी के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।